सपा गवर्नमेंट में लगभग 4500 हेक्टेयर जमीन जो है विलेज कादलपुर और डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में बाबा रामदेव को दी गई थी, आवंटित की गई थी, फूड पार्क व हर्बल फूड पार्क के लिए बनाने के लिए दी गई थी, जिसमें गरीब किसानों के नाम से उस जमीन का पट्टा था। पट्टा बिना कैंसिल हुए उस जमीन को बाबा रामदेव को आवंटित की गई और जमीन में काफ़ी किसानों द्वारा वृक्षारोपण का पट्टा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें पेड़ लगे हुए थे, लगभग 6000 पेड़ लगे हुए थे। अचानक से शिलान्यास किया गया उस जमीन का बाबा रामदेव के कर्मचारियों द्वारा और उसमें जो है लगाए गए हुए पेड़ों को क्षति पहुँचाई गई, उनको गिराया गया, हरे पेड़ों को काटा गया, जिससे पर्यावरण को बहुत गलत इफेक्ट गया। किसानों की आपत्ति करने पर भी पेड़ों को जो है काटा गया। किसानों ने इससे वो होकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से और प्राधिकरण से जवाब मांगा कि किस लिए जमीन को दी गई बाबा रामदेव को और पेड़ों को क्यों काटा गया। आज इसकी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें याचिका में बाबा रामदेव को भी पार्टी बनाया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ इशू नोटिस जारी किया और इसमें 10 दिन के लिए जवाब मांगकर इसको अगली तारीख 14 नवंबर 2017 को नियत की है। यह सुनवाई माननीय तरुण अग्रवाल और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ में हुई।